नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा। राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी के बाद उसके क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्कों पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में ये प्रसारण होगा। गौरतलब है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं और इसी कड़ी में विभिन्न प्रतिष्ठानों को तिरंगे की रोशनी में रंग दिया गया है। वहीं इस मौके पर अन्य कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। वहीं लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक फ्रेम में पक्ष और विपक्ष दिखा है। निचले सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अलग अलग दलों के लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की है। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं से भविष्य में सदन में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। ओम बिरला ने कहा कि चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा। ये मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई है। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं इस तस्वीर में जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह और दूसरे नेता भी दिखाई दिए। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके केटीआर बालू, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, वाईएसआरसीपी के मिथुन रेड्डी, बीजू जनता पार्टी के पिनाकी मिश्रा, बीएसपी के रितेश पांडे और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव समेत अनेक विपक्षी दलों के नेता भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। तो एक फ्रेम में पक्ष और विपक्ष दोनों की तस्वीर देखने को मिली है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने ओम बिरला से हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस तस्वीर में जेडीयू के सांसद ललन सिंह और दूसरे नेता भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके केटीआर बालू, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल, वाईएसआरसी के मिथुन रेड्डी, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा, बीएसपी के रितेश पांडे और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव समेत अनेक विपक्षी दलों के नेता भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर की मनमानी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कंपनी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है। राहुल ने अपना अकाउंट लॉक किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक मुकाबले में ट्विटर का पक्षपाती होना खतरनाक ही नहीं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला भी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कंपनी भारत के करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में सरकार की मदद कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इस तीखे हमले के बाद अकाउंट लॉक करने के मुद्दे पर ट्विटर के साथ कांग्रेस नेताओं की जंग भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो बयान जारी करके केंद्र सरकार के दबाव में ट्विटर के ऐसे कदम उठाने की बात कही और कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि मेरे ट्विटर हैंडल पर रोक लगाकर वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहीं एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने का कारोबार कर रही है और एक राजनीतिक के तौर पर मुझे ये पसंद नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि ट्विटर का ये कदम उन पर नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। ये बात केवल राहुल गांधी को चुप कराने तक ही सीमित नहीं है। मेरे करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, अब उन्हें अपने विचार रखने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ये कदम न केवल पूरी तरह से अनुचित है बल्कि ये ट्विटर के एक तटस्थ मंच होने की अवधारणा के भी प्रतिकूल है और इस लिहाज से निवेशकों के लिए भी अत्यधिक खतरनाक बात है, क्योंकि राजनीति मुकाबले में पक्ष लेने से ट्विटर पर असर पड़ता है।
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में सेंधमार नकली वोटर आई कार्ड बनाने के प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को देश की गरिमा के साथ ही सुरक्षा के साथ जोड़ा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने शुक्रवार को नकली वोटर आई कार्ड बनाने के मामले पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक नव युवक के डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच हो, पता तो चले कहीं इसे राज्याश्रय तो प्राप्त नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ये प्रकरण चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा का भी सवाल है। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को दो शर्तों में से एक का पालन करना होगा। पहली शर्त यह है कि जो लोग राज्य में जाना चाहते हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। दूसरी वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है। वहीं दूसरी शर्त यह है कि 72 घंटे के अंदर की कोरोना निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट रखनी होगी। दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। इसमें 15 अगस्त से मॉल रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके साथ ये भी शर्त होगी कि सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए और कस्टमर को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और इसके अलावा दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई थी। गाइडलाइन में ये कहा गया था कि जिम को भी इस शर्त पर 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके होंगे। और गाइडलाइन में यह भी कहा गया था कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। तो जिस तरह से लगातार आप महाराष्ट्र में देखते रहे कि कोरोना का ग्राफ काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा, उसके बाद कई तरह की गाइडलाइन भी जारी की गई जिसमें दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कई तरह की गाइडलाइन थी, जिसमें RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीनेशन की जांच रिपोर्ट भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि अब कई तरह की शर्तों के बाद ये भी स्थिति देखने को मिली है कि 14 दिन के लिए लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा जिनके पास ये दो तरह की रिपोर्ट्स नहीं होंगी। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी 11 अगस्त को राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी और इसमें 15 अगस्त से मॉल रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके साथ ये भी शर्त होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरीके से टीकाकरण होना चाहिए और कस्टमर का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दे दी गई थी। आपको बता दें कि गाइडलाइन में यह भी कहा गया था कि स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी टीके की दोनों खुराकें ले चुके हो। वहीं गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि खुले स्थानों में होने वाली शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि बंद हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में 100 या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं आदेश में ये कहा गया है कि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना पहले की तरह ही जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को भी निर्देश दिए हैं प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दिशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए।
कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो वहीं पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। तो सोमवार से शनिवार तक सारी पाबंदियां समाप्त हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस उत्तर प्रदेश में कम होते गए उसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे तक से लेकर रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए प्रिया, 2 दिन पहले ही अधिकारी आदेश जारी हुआ है राज्य सरकार की तरफ से, और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से कहा गया है कि जो शनिवार और रविवार जो साप्ताहिक लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया था वो उसमें से 1 दिन की छूट जो है वो आम जनमानस को दी गई है, यानी कि शनिवार के दिन अब लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं लगेगा, क्योंकि आंशिक आंकड़े कोरोना के जो संभावित थे जो ज्यादातर जिलों में आ रहे थे अलग अलग जगहों पर, उनमें कमी देखते हुए इस सरकार ने इस बड़े जो फैसले को लागू किया है। अब ये कहा जा सकता है क्योंकि आज शनिवार का दिन है, आज भी उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कल सुबह 6 बजे से ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से आंशिक लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो लोगों को जरूर राहत मिली है कि हफ्ते में 2 दिन उनको बंदी का सामना झेलना पड़ता था, लेकिन अब हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही उनको लॉकडाउन का सामना झेलना पड़ेगा, लेकिन शनिवार को पूरी तरीके से बाजारों के लिए, मॉल्स के लिए और अन्य संस्थान है उनके लिए पूरी तरीके से खुली छूट रहेगी। लिहाजा सरकार ने ये पूरा फैसला जनहित के लिए दिया है, और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जनता की होगी कि लॉकडाउन की अगर छूट मिली है तो सबसे ज्यादा कोरोना के जो कोविड के नियमों का जो पालन है वो उनको जरूर करना पड़ेगा, फेस मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और जो तमाम कार्यालय है चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो उसमें कोविड नियमों का पालन करते हुए उनको लॉकडाउन का एक पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि उनको पालन करना पड़ेगा, और सरकार की तरफ से आम जनमानस को और उत्तर प्रदेश की जनता को शनिवार के लिए बहुत बड़ी छूट है। अशिवा, क्या उसके बावजूद भी जिस तरह से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि शनिवार का जो लॉकडाउन था उसको खोल दिया गया है, लेकिन क्या उसके बाद भी अभी भी कुछ पाबंदियां जो हैं वो लगी हुई हैं? देखिए, जैसा कि कोरोना का जब समय चालू हुआ था उसमें तमाम तरीके की जो गाइडलाइंस थी उसको देखते हुए कई चीजों को बंद रखा गया था, जिसमें भीड़ एकत्रित होती है चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, लेकिन जो शनिवार को जो एक फैसला आया था लॉकडाउन खत्म करने का उसमें ये जरूर कहा गया था कि अब जो कोचिंग है वो कोचिंग पूरी तरीके से खुल सकती है, स्कूल जो है वो पूरी तरीके से खोले जा सकते हैं। तो ये कहा जाएगा कि कुछ जगह जो अभी है पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जो आंशिक जगह थी जिनको अस्थायी रूप से बंद रखा गया था उनमें भी छूट देखने को मिली है, लेकिन जो ये कहा जाएगा कि शनिवार को जो जिम बंद होते थे, जो मॉल्स बंद होते थे वो अब पूरी तरीके से खुल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कोविड नियमों का पालन जरूर करना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर, जैसा कि पहले वैज्ञानिकों ने अंदेशा बताया था कि अगस्त के महीने में कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्कता जो है वो आम जनमानस को ही बरतनी है, इसलिए कोविड नियमों के पालन के साथ साथ लॉकडाउन को पूरी तरीके से छूट दे दी गई शनिवार को। बिल्कुल, क्योंकि शिवा, जिस तरह से देखा गया कि लगातार दुकानदारों ने भी प्रदर्शन किया कि उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिला इस दौरान कि हफ्ते में 2 दिन जिस तरह से लॉकडाउन था और लोग भी काफी ज्यादा शनिवार और रविवार के दिन ही बाहर निकलते थे, तो ऐसे में लगातार उनका भी प्रदर्शन था, उनकी भी मांग थी कि ये जो साप्ताहिक 2 दिन का बंद था उसको खोल दिया जाए, ऐसे में उन लोगों को भी काफी राहत मिलती दिखाई दी है। देखिए प्रिया, व्यापारियों की शुरुआत से मांग थी कि शनिवार और रविवार चूंकि
सप्ताह का दो आखिरी दिन होता है और वीकेंड दिन होता है, ऐसे में लोग बाजारों पर खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। और उन्होंने राज्य सरकार से इस बात की बार बार अपील की थी कि वो शनिवार को इस कोरोना कर्फ्यू का जो काल है उसको देखते हुए इस बाजारों में थोड़ी छूट जरूर दे, लेकिन सरकार ने भी अपनी शर्तें रखी थी कि जिन जिलों में कोरोना के जो मरीज हैं वो ज्यादा होंगे वहां पर कर्फ्यू किसी भी तरीके से खोला नहीं जा सकता है। ऐसे में अब व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत का विषय है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करेंगे और शनिवार को अपनी दुकानों को अगर खोलने का सरकार मौका देती है तो पूरी तरीके से एहतियात बरता जाएगा। ऐसे में ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि संडे को ही सही लेकिन सिर्फ सप्ताह में एक दिन बंदी जो है उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन शनिवार को जो दुकानें खुलेंगी, जो मॉल खुलेंगे, जो व्यापारियों के बड़े व्यापार चलेंगे, उससे कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। आशीर्वाद, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की लगातार बैठक की और उसमें अफसरों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्थानों पर हर तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए और कहीं भी अनावश्यक भीड़ ना लगे, इसको देखते हुए क्या कुछ अब इंतजाम किए गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के 16 कमिश्नरी, ये कहा जाएगा कि मंडला आयुक्तों को ये जिम्मेदारी दी गई है और वो उसके नोडल अफसर भी बनाए गए हैं कि वो समय समय पर क्रॉस चेक करते रहे हर उन जिले के जिलाधिकारियों को और एसपी को और उनको निर्देश देते रहे कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोविड नियमों का उल्लंघन ना होने पाए। किसी भी तरीके की जनसभा अगर होती है तो नियमित रूप से उसकी परमिशन ले और किसी भी तरीके की भीड़भाड़ ना होने पाए। तो तमाम जो गाइडलाइंस है वो उसको देखते हुए अफसरों को, सरकारी अफसरों को एक जिम्मेदारी बड़ी दी भी गई है कि किसी भी तरीके की अगर छूट अगर दी गई है सरकार की तरफ से तो उसका पूरी तरीके से पालन कराने की जिम्मेदारी है वो सरकारी अफसरों की है। ऐसे में आम जनमानस को बार बार उनसे जनसंवाद करते हुए उनको एक समझाने का भी प्रयास किया जाए कि ये जो छूट है वो उनके लिए ही है, लेकिन जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कोविड प्रोटोकॉल की, उनका जरूर उसको पालन करना है। लिहाजा भविष्य में इस तरीके की मुसीबत ना आए कि सरकार को मजबूरन एक बार फिर से कोरोना का जो कहर है उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाने की जो एक कदम है उनको उठाया जाए, तो जरूर कहीं ना कहीं एक सरकार ने बहुत बड़ा फैसला जो है वो जनहित के रूप में दिया है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनमानस की है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्थान पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जाए और कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग का बड़ा असर सामने आ गया है। प्रदेश में अब एक्टिव केस करीब 470 पर आ गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 2 लाख से अधिक सैंपल की जांच में 33 नए संक्रमित मिले हैं। इस अवधि में 44 लोगों को इसके संक्रमण से मुक्ति भी मिली है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 54 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया है, जबकि मात्र 21 जनपदों में इकाई अंक में संक्रमित पाए गए और इस दौरान 2,38,123 कोविड सैंपल की जांच की गई है और इसमें से 33 नए संक्रमित सामने आए हैं। इस अवधि में 44 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं वर्तमान समय में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 470 के करीब पहुंच गई और दिन पर दिन ये अंक कम होते जा रहे हैं। वहीं अब तक 16,85,625 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। वहीं बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो वो 0.01% पर है। वहीं प्रदेश में अब तक 6,86,24,490 सैंपल्स की जांच भी की जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के तौर पर चिन्हित वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी। 12 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की जाएगी और 31 दिसंबर 2022 से ये मोटाई 120 माइक्रोन होगी। वहीं इससे प्लास्टिक के बैग के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अधिसूचना के मुताबिक 30 सितंबर 2021 से गैर बुना प्लास्टिक बैग का वजन 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से भी कम नहीं होगा। अधिसूचना में यह कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से
पॉलिस्ट्रीन और लचीले पॉलिस्ट्रीन सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री के इस्तेमाल पर रोक होगी। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य सचिव या प्रशासक के नेतृत्व में एकल इस्तेमाल प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कार्यबल बनाने और प्रभावी तरीके से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम को लागू करने को कहा था। वहीं संसद में दिए गए जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया है कि 23 जुलाई तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्यबल गठित कर दिया था। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने निर्देशों में समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यबल का गठन किया है। लखनऊ में थप्पड़ की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में थप्पड़ गर्ल के हाथों ताबड़तोड़ थप्पड़ खाने वाले कैब ड्राइवर शहादत अली ने कहा है कि अगर थप्पड़ गर्ल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो हाईकोर्ट तक जाएंगे, लेकिन थप्पड़ गर्ल को जेल भेजकर होगा। शहादत अली कहते हैं कि लड़की ने गलत किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए, वह उसके साथ समझौता नहीं करेगा। इससे पहले कैब ड्राइवर को पीटने के बाद चर्चा में आई थप्पड़ गर्ल प्रियदर्शनी यादव अब इस मामले में समझौता करना चाहती हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।